जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है इस बार 60,244 पोस्ट में, जो कि 27 तारीख से ऑनलाइन चालू होगा। नंबर वन, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु में कोई छूट नहीं दी गई है, जैसा कि लंबे समय से मांग की जा रही थी। दूसरा, योग्यता इन पदों के लिए 12वीं पास इंटर के समकक्ष या इंटर पास होना जरूरी है। अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो डोयक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थी NCC बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा का अनुभव वाले उम्मीदवार को प्रेफरेंस मिलेगा। तीसरी बिंदु, आयु सीमा पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष है, वहीं महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष है। SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी, यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। यानी ऐसे महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो। शारीरिक मानक पुरुषों के लिए OBC और समान ST वर्ग उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेमी होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेमी हो और फुलाकर कम से कम 84 सेमी हो। ST वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेमी होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 77 सेमी हो और फुलाकर कम से कम 82 सेमी हो। महिलाओं के लिए समान OBC SC वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई में कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेमी होनी चाहिए। वजन कम से कम 40 किलोग्राम हो। चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फिजिकल टेस्ट दौड़ के आधार पर होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा उमर सीट पर ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कंप्यूटर मोड CVT टाइप नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और उमर सीट पर गोला को भरना होगा। एग्जाम पैटर्न लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बल, बुद्धि, लब्धि, तार्किक क्षमता के कुल 150 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटा जाएगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट या डोएक ओ लेवल या प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव हो। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर मेरिट में उन्हें ऊपर रखा जाए जिनकी आयु अधिक होगी। फिजिकल टेस्ट लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किमी की दौड़ लगानी होगी। आरक्षण केवल यूपी के मूल निवासियों को मिलेगा। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होगी तो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा। फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निकाली जाएगी। इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।